इस कैसे हैं? तो मेरा आज का ब्लॉग है बाबा कमलैया टेम्पल जा रहा हूँ। तो ये धर्मपुर से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाबा के मंदिर के पास। तो ये आपको मैं ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो अभी हम आगे मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मार्केट है यहाँ पे, और सामने ये जो गेट लगवाया वहाँ से ऊपर को पौड़ियाँ हैं। तो यहाँ की मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, ये है, ज़्यादा बड़ी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रसाद मिलता है। फिर अंदर गेट के अंदर ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अभी हम मार्केट से निकल रहे हैं टेंपल की तरफ को, गेट है सामने, यहाँ से जाएंगे हम। तो यहाँ पे सामने बोर्ड भी लगा हुआ कमेटी का, बाबा कमलैया मंदिर कमेटी। तो अभी ऊपर पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे फैमिली भी पीछे आ रही है धीरे धीरे, बच्चा पार्टी भी, और भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे आगे दौड़ रहे हैं। ये दूसरा गेट है यहाँ पे, पुराने ज़माने का, जो राजा के टाइम का बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बिल्डिंगें थी वो गिर चुकी हैं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ सामने जो है ये पहाड़ी है, दिखा रहा हूँ मैं आपको भी। तो यहाँ पहाड़ी के अंदर जो है, यहाँ पे सामने पानी मुड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो सामने यहाँ पे। और अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोग कुछ दर्शन करने के बाद जो है आ रहे हैं, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे तीसरी बार जा रहा हूँ अभी दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था कि साथ में बहनें भी और हम सारे जाएं। तो ये बाबा जी का बुलावा था, तो अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये ऊपर बीच यहाँ पे चुगी है हमारी, और ये राजा के टाइम जो है चक्की थी जिसे आटा पीसते थे, वो अभी वर्किंग में है ये, पर इसका उपयोग कोई नहीं करता है। तो बच्चे बढ़ रहे हैं आगे, और तो इस टाइम बहुत सारे लोग दर्शन करके आ गए हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं जिसमें हम भी हैं। तो अभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो काफ़ी भीड़ है इस टाइम यहाँ पे, लोग आ रहे हैं अभी। तो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आप देख सकते हैं जो मंदिर के सराउंडिंग में है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर के पास में ही पहुँच चुके हैं हम। ये बाहर का नज़ारा है मंदिर के बाहर का, अभी काम चला हुआ था मंदिर का। तो अभी और लोग आ रहे हैं,
हम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। अंदर का नज़ारा भी आपको दिखा रहा हूं मैं, अभी तो बाहर हैं हम। जी साहब अंदर गए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है अंदर का, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे लोग दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं और जी साहब वहाँ पे चुग्गी को लेके बैठे हुए अभी, और भी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम। बाबा जी की जय हो। तो लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, अभी हमारी बारी आएगी, अभी यहाँ पे टर्न वाइज दर्शन करते हैं। तो चुग्गी यहाँ गप्पे मार रही है मम्मी के साथ अपनी, और ये पालकी है यहाँ बाबा जी की, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, देखते हैं आप मंदिर के सराउंडिंग में। ये बाबा जी के दर्शन किए, आप भी कर लो। और यहाँ पे हमारी फैमिली बैठी है, अभी दर्शन करने हैं। तो दर्शन करने के बाद जो है हम फोटो खिंचा रहे हैं, अभी दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ पे दोबारा से आपको यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो एरियाज हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ में साथ में ही जो बाहर मंदिर है वहाँ पे माता जी की मूर्ति है, और ये वादियाँ यहाँ की कमला वैली की। तो यहाँ पे बकरियाँ भी है जो लोगों ने चढ़ाई है यहाँ पे, उनको यहाँ पे घास खिला रहे थे। तो मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे ये नीचे से ट्रॉली लगी है, सामान इसके थ्रू ऊपर लाते हैं। तो ये बकरियाँ यहाँ पे जो चारा खिला रहे थे, अभी मंदिर से बाहर की तरफ निकले, जो मेन पॉइंट है वहाँ पे बाबा जी, वहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे देखो लोग बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाते हैं, और पूरे यहाँ पे जो कमला वैली है वो यहाँ से दिखती है, काफ़ी अच्छा नीचे के गांव दिख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और नीचे से जो जहाँ से हम नीचे से आए वो नीचे का नज़ारा आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं मंदिर के पास से। और यहाँ बंदर काफ़ी है, तो बंदर को भगाने के लिए यहाँ पे कुत्ता रखा हुआ है। तो हसीन वादियाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, दर्शन करने के बाद जो है अभी हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो लोग भी अभी जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो साइड से मंदिर का व्यू जो है, भोलेनाथ जी की पिंडी है। और यहाँ पे पुराने ज़माने की जो है तोपे हैं, ये अभी छोटी छोटी बची हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी थी वो यहाँ पे अभी है नहीं। तो यहाँ पे चुग्गी